मेरी पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मैं काफ़ी सारे साग पत्ते सलाद और अरबी के पत्ते लेकर आई थी। तो मौसम तो हो गया है सुहाना और बारिश भी आने लग गई है, तो दिखाती हूँ आपको व्यू पॉइंट। पूरे ओले गिर रहे हैं गाइस, इतना अच्छा मौसम है। और तो ऐसी बरसात में मेरा मन कर रहा है पतरोड़े खाने का, जो अरबी के पत्ते से बनती है और जो हम सलाद का लेके आए थे। तो मैं जल्दी से अंदर जाती हूँ, पतरोड़े बनाती हूँ कि मौसम बड़ा अच्छा है, चाय के साथ बड़ा मजा आएगा, और इन ओलों से बचती हूँ। चलो चलो अरे बांटे में माल दूंगी, आ जाओ। तो चलिए भाई, बहुत हो गई मस्ती, सीधा चलते हैं किचन में, मम्मा का हेल्प करते हैं। मम्मा बना रहे हैं पतरोड़े, तो इसका प्रोसेस कैसा होता है मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि ये दो पत्ते जो मैं पिछले वीडियो में लेके आई थी, एक अरबी के पत्ते हैं और एक लेटस सलाद है। ये बेसन है, और अब हम बेसन में क्या करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, अपना घर का कुटा हुआ या मूल का मार्केट का गरम मसाला, और उसके बाद अपने स्वाद अनुसार नमक, और आप पुदीना धनिया मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और धीरे धीरे पानी मिला के इसकी कंसिस्टेंसी डिसाइड कर लेंगे। जैसे हम पकोड़े के लिए करते हैं, वैसे इसकी थिकनेस और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो फाइनली हमारा बैटर हो गया तैयार। अब हम इस बैटर को ऐसे अरबी के पत्तों के बीच में डालेंगे। उससे पहले हम अरबी के पत्ते के जो स्टिक्स है, जो ऊपर की ओर निकले हैं, वो निकाल लेंगे। और ये हमने कुछ बनाना लीव्स लिए हुए हैं, जो एंड में हम इन अरबी के पत्तों को रोल करेंगे उसके लिए। तो कुछ इस तरीके से इन पत्तों पे हम अपना बैटर लगा लेंगे। अरबी के पत्ते होते हैं, इनमें कट भी होता है, तो काफ़ी लोग को इससे एलर्जी भी हो सकती है। तो अगर आपको ये पत्ते खा के कट लगे, तो इसका मतलब है कि आपको ये चीज़ सूट नहीं कर रही, और ये मौसम के हिसाब से होते हैं। बरसात में इनमें कट नहीं होता है, पर बरसात के बाद का मौसम में इनमें कट बैठ जाता है, तो ये देख के आप खाइए। सिमिलरली हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। अब हम इन रोल्स को स्टीम लगाएंगे। तो हमारे घर का स्टीम करने का तरीका कुछ इस तरीके का है, हम कुकर में करते हैं। अगर आपके पास स्टीम का कोई यूटेंसिल है, आप उसमें कर सकते हैं। हमने साइड बाय साइड जो हमारा सलाद के पत्ते थे, उसके भी पतरोड़े बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये भी सेम प्रोसेस होता है, इन पत्तों को बस आपको ही बेसन का घोल लगाना है, और इनको कढ़ाई में कम तेल में बस बदलते रहना है, जैसे आप करेले की सब्जी बनाते हैं वैसे ही। अब हम
जो हमने कढ़ाई में सलाद के पत्ते बनाए थे उसको हम लंबे लंबे गोल गोल पीसेस में काट लेंगे और उसको अलग से तवे में और फ्राई करेंगे ताकि वो खाने में और क्रंची हो जाए। तो फाइनली हमारी डिश हो गई है तैयार और इसके साथ कुछ बिस्किट और ये जो कप में आप दूध देख रहे होंगे एक्चुअली ये चाय के साथ मजा आता है पर मेरे घर में कोई भी चाय नहीं पीता तो हम दूध के साथ इसको एंजॉय करेंगे। तो गाइस मेरे पतरोड़े हो गए हैं तैयार, तो अभी मैं इनको लेके जाती हूँ, मम्मी डैडी को खिलाती हूँ। मौसम तो आप देख ही चुके हैं कितना सुहाना है, तो चलिए चखते हैं मेरे हैंडमेड पतरोड़े। एक्चुअली बनाए तो मैंने नहीं है, सारा मतलब इनपुट और हार्डवर्क मेरी मामा का है, पर हाँ मैंने वीडियो शूट में थोड़ी बहुत हेल्प की है बीच में। चलो जाते हैं चखते हैं। और हम लोग हमारी फैमिली में ना कोई चाय नहीं पीता है, सब दूध पीते हैं खुद की गाय का, तो हम दूध और पतरोड़े खाएंगे। तो चलिए लेके चलती हूँ मम्मी डैडी के पास पतरोड़े। पतरोड़े लो मम्मा डैडी खाओ। उनको बताओ टेस्ट करके कैसे बनाया, तो आप ही ने फिर भी टेस्ट करके बताओ कैसे। हाँ, अच्छा ब्यूटीफुल। और कुछ बोलना चाहेंगे मम्मा व्यूवर्स के लिए? ऐसे बनाते आपको अच्छे लगे मेरी डिश मुझे बताइए, मैं और अच्छे अच्छे बना बना के वीडियो डालूंगी, बना बना के अच्छे अच्छे डिश खिलाऊंगी। गुड बैड गुड चंदन दे। तो एट लास्ट हमने खाना स्टार्ट कर लिया, हम स्वाद लेते हैं। आप फोटो और वीडियो को देख के स्वाद लीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर।